अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे पिछले दिनों दो तीन दिन पहले एक पोल मैंने शेयर किया था कि उसमें एक सर्वे था कि जिसके अंदर आप किस सीरीज़ को चाहते हैं कि मैं दोबारा स्टार्ट करूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करें। उसके कई दुरूस हो चुके हैं, 20-22 के करीब दुरूस हो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट भी मैंने आपसे शेयर की कि आप में से वो लोग जिन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया इस चैनल को और वो दुरूस के नहीं सुने हैं, वो सुन लें, इन द मीन वाइल नए दुरूस पर काम हो रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं एक रिसर्च कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और खुलफाए राशिदीन के ज़माना, उस ज़माने का हिंदुस्तान कैसा था। ज़्यादातर मालूमात किताबों में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो जमा कर रहा हूँ। तो एक वाक़े पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि मैं इस वाक़े को बतौर एक दर्स शेयर करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी ये वाक़ा बड़ा अजीब होगा, पहली दफ़ा शायद आपने सुना हो इस वाक़े को। तो रफ़ाया नामी एक जिन्निया का वाक़ा है। जिन होते हैं ना मर्द, तो औरतें जिन्निया होती हैं, तो रफ़ाया उसका नाम था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हिंदुस्तान जाने का उसने हाल बयान किया कि वो हिंदुस्तान गई और वहाँ उसने क्या देखा, उसका पूरा हाल अहवाल बयान किया। तो इमाम अबुल कासिम हमज़ा बिन यूसुफ़ सहमी जरजानी, अबुल कासिम कुनियत है, नाम है हमज़ा बिन यूसुफ़ सहमी जरजानी, इन्होंने किताब लिखी है, जैसा है ना तारीख़ खुलदून है, तारीख़ इबन कसीर है, अलबिदाया व निहाया जो है, तो इसी तरह तारीख़ तबरी है। तो इनकी जो तारीख़ है वो तारीख़ जरजान है। उसमें वो अबू आमर अब्दुल मोमिन बिन अहमद अत्तार जरजानी के तस्किरे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत लेकर आते हैं, रफ़ा बिन तिल अब्दुल सालेह नामी एक जिन्निया, कि कौम जिन्नात की औरतों के साथ, यानी औरतें भी ग्रुप्स में, टोलियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म सीखने आती, जैसे कि जिन आते, जैसे कि ख़वातीन इंसानों में से आती, मर्द इंसानों में से आते, वैसे जिनों में से भी औरतें टोलियों की शक्लों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म सीखने आती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात भी करते हैं। ये तमाम मामलात इस रिवायत में हमें सामने आते हैं। तो वो जिन्निया कौम जिन्नात की औरतों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करती थीं। एक मर्तबा वो बहुत देर के बाद आई, यानी कई मुलाकातों में जब औरतें आईं तो वो मौजूद नहीं थीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिलने आते, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त है कि आप उन्हें याद रखते, उनके बारे में पूछते, आपकी मोहब्बत, आपकी शफ़क़त, आपकी रहमत। अल्लाहु अकबर। तो कई दिन तक ये आई नहीं, तो एक मर्तबा बहुत देर के बाद आई तो आपने ताखीर की वजह पूछी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से ये मसला भी समझ में आता है कि कभी कोई नज़र ना आए तो इंसान उसके बारे में दरियाफ्त करता है, उससे पता लगता है कि वो शख्स आपके लिए ज़रूरी है, उसकी हौसला अफज़ाई होती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसे लगता है कि उसका चाहने वाला है कोई उसका ख्याल करता है, और हुजूर तो रहमत है। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर ने ताखीर की वजह दरियाफ़ फरमाई तो उसने अर्ज़ किया, मात लना मैयतुन बिअर्दिल हिंदी फ़ज़हबतु फ़ी तअज़ियतिहिम, हमारा एक शख्स हिंदुस्तान में मर गया था तो मैं अहले मैयत की ताज़ियत को गई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या बयान किया, जिससे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खूब हंसे। तो बहरहाल तारीख़ जरजान की ये वाक़या मौजूद है सफ़ा नंबर 203 और सफ़ा नंबर 204 पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।